रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने इलेक्शन के हवाले से कहा सिक्योरिटी फोर्सेज को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। फौज होने की हैसियत से खुशी होती है कि जो इल्जाम लगता रहा वक्त के साथ साथ गलत साबित होते जा रहे हैं। देखिए ये इलेक्शन ईयर है, 2018 जो है वो तब्दीली का साल है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से मुकाबले में हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और एक दूसरे की कीमत पे लड़ना है। यस, सिक्योरिटी फोर्सेस को उसमें नहीं घसीटना चाहिए। उनका कहना था कि पहले कहा गया कि सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे, फिर कहा गया हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी और अब इलेक्शन की तारीख भी आ गई। DGISPR ने कहा कि हमसे ज्यादा किसी को खुशी नहीं, हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया और इस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करती हैं। पाक फौज को खुशी है दूसरी जमहूरी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की। फौजे पाकिस्तान होने के हैसियत से खुशी भी होती है कि जो जो इल्जाम लगता रहा है इस पॉलिटिकल कंटेस्टेशन में वक्त के साथ साथ वो गलत साबित होते जा रहे हैं। 120 में इलेक्शन नहीं होंगे, सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन टाइम पे अनाउंस नहीं होंगे, हुकूमतें टाइम पूरा नहीं करेंगी। हमारे से ज्यादा किसी को खुशी नहीं है कि हुकूमत ने अपना टाइम पूरा किया। लेट मी कंग्रेचुलेट दी एक्स पार्लियामेंट ऑन दिस एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान आल्सो। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कब कराना है, कैसे होने हैं, ये इलेक्शन कमीशन का मसला है, लेकिन सबकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन टाइम पर हो, नई हुकूमत आए और चैलेंजेस को लेकर चले। उनका कहना था कि इलेक्शन से फौज का कोई ताल्लुक नहीं। इस हवाले से फौज के पास कोई टास्क आएगा तो आइन के मुताबिक किरदार अदा करेंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर होगा।